आज हम घूमने आए हैं अपनी दीदी के घर। ये मैं हूँ, ये मेरे भैया है जो अपनी शक्ल अभी नहीं दिखा रहा है, और ये बहुत ही सुंदर जगह है, पर ये सड़कें तो बहुत ही गंदी है, है ख्वाड़गढ़ की सड़कें। देखिए अभी आपको वीडियो ज़्यादा अच्छी नहीं दिखेगी, यहाँ पे एक छोटा सा तालाब भी है, आपको अभी वीडियो थोड़ी अच्छी नहीं दिखेगी क्योंकि हम बाइक पे हैं और हम गांव वालों से बचते बचते ऐसे सड़े हुए रोड से जा रहे हैं ताकि गांव वाले हम लोगों को ना देखें, इसलिए हम चुपके चुपके से सीधे दीदी के घर में एंट्री करेंगे। और ये मेरे को लगता है कि दीदी के कुछ कीड़े मकोड़े यहीं खेल रहे हैं तो हमारे को पता नहीं ये सड़क कहाँ तक है, ये भैया पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। ये देखो सारे लोग हम लोगों को ही देख रहे हैं, पता नहीं कौन है, जैसे कि हम पता नहीं भूतिया आ गए यहाँ से। ये देखो यहाँ नीचे ना पानी लेने जाते हैं, स्कूटी यहीं तक जाएगी, बाइक यहीं तक हम उतर रहे हैं। ये हमारे भैया ऐसे सड़े हुए रास्ते से चल रहे हैं, मेरी दीदी का रास्ता बहुत ही ख़राब है, इन्होंने अपने घर के रास्ते की रिपेयर नहीं की है। अपनी शक्ल दिखाए, ओह भाई जी बहुत ही गंदे तरीके से हमें ये घूरते हुए देख रहे हैं, और इतनी यहाँ पे फुल लकड़ी है कि अब हम आपको क्या बताएं। ये देखो आपको सामने पेड़ दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही अच्छे बीज होते हैं, इनका नाम पता नहीं अरंडी के तेल, अरंडी के बीज के नाम से ये जाना जाता है, इसका तेल ही बहुत ही उपयोगी होता है। कौन सा अरंडी का तेल? ए ए बीज इतना तेल निकला तो अरंडी का तेल थोड़ी है, सही पेड़ है मिस्टर, नेट पर सर्च कर। और ये मेरी दीदी के घर को जाते हुए दुनिया भर की फूल लकड़ी है, इन फूलों से होके हमें गुजरना पड़ रहा है। नए सी नदी पे एक दुकान में हम अभी गए थे, वो हमारे रिश्तेदार ही थे, उन्होंने हमें ना बहुत सड़े सड़े नोट दिए, क्या करें गांव में ऐसे नोट मिलते हैं। उफ, ये रास्ता मैं आपको दिखाऊं, बहुत ही गंदा रास्ता है, जिससे ये जो फुल लकड़ी होती है ये हमारे कपड़ों में बहुत गंदे तरीके से चिपक जाती है, जिससे सारे कपड़ों के धागे वगैरह निकल जाते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा भाई है ना, बहुत ही गधा है, गधा क्या मतलब, एक नंबर का बकवास आदमी है। हम अपनी सबसे बड़ी वाली दीदी के घर पहुंचने वाले हैं, उसकी शादी को हो गए होने कम से कम 15-17 साल तो हो गए हैं। आज मैं तीसरी बार अपनी दीदी के घर आई हूँ, मुझे यहाँ आना अच्छा तो नहीं, इधर की लकड़ियों से, ये देखो मेरे भाई की जैकेट का क्या हाल हो गया बेचारा, शुक्र है हम सड़े हुए कपड़े पहन के ही आए हैं, क्योंकि हमें पता था ऐसे गांव में जाना है फुल लकड़ी से सामना करना पड़ना है। और अभी हम थोड़ी ही देर बाद दीदी के घर पहुंच जाएंगे। ये देखो ये जो रास्ता है ना, ये सामने वाला ये रास्ता इनके पानी के लिए जाता है, और पता नहीं कब उनके घर दिखाई देंगे, उन्होंने नए घर बनाया ना तो थोड़ा दूर हो गया वहाँ, और लोगों से हाँ आप लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। ये देखिए ये आगे मेरी दीदी के घर दिखाई दे रहे हैं, उस उन लोगों को तो पता ही नहीं है कि मैं भी आ रही हूँ साथ में, आज वो हैरान हो जाएंगे कि मैं भी आई हूँ। ये देखिए पर यहाँ तो बहुत लोग हैं, अब मुझे शर्म ही आ रही है जाने में, बहुत थक गए हैं, बहुत रेल बन गई आज हमारी, एक तो इतना गंदा रोड था, 2 किलोमीटर तो मैं उछलते उछलते आई हूँ, और मेरे भाई ने पता नहीं बाइक पे क्या किया है, मैं थोड़ी सी पीछे होती हूँ मैं फिर आगे आ जाती हूँ, सारी फिसल जाती हूँ मैं उस बाइक पे। ये देखिए इनके खेत है नीचे, इसमें अभी कुछ लगा तो नहीं है,
पर फिर भी कुछ ना कुछ तो लगाएंगे ही। इन्होंने तो ना सफाई भी नहीं की है। ये पता नहीं क्या है, और मेरा भाई यहाँ पे झांकते हुए देखते हुए कि ये क्या बना है, अंदर घुस चुका है। ओरे ओरे आओ, इत्थी रे दीदी, ओरी कर भगवान के साथ। ये रसोई, चलो ऊपर। ये ऊपर ऐसे सब जाने वहां जाने, इत्थी इत्थी चले देखना ऊपर। दीदी तो हमारे को घर पर मिली नहीं, अब हम दूसरे, ये मेरी दीदी के सास वगैरह के घर है, यहाँ वो रहते हैं, उनकी जेठानी वगैरह रहती हैं यहाँ। अब हम अरे आ जाओ, ये सामने से हमारी दीदी और जीजू आ रहे हैं। अरे नमस्ते जी।